दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरदार भगत सिंह के बारे में। इस वीडियो में हम सरदार भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सरदार भगत सिंह का नाम तो बड़े से बड़े लोग भी जानते हैं, क्योंकि उनका नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप में लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गाँव खटकड़ कला है, जो पंजाब भारत में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार एक सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सरावा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। वहीं अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। इसके बाद भगत सिंह इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने पर विचार विमर्श करने लगे, और फिर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। भगत सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मां 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए अपने प्राण, अपने परिवार और अपनी युवावस्था की खुशियां निछावर कर दी थी। ऐसा उन्होंने देश के लोगों के लिए किया था। भगत सिंह अपने कॉलेज के शुरुआती दौर से ही बहुत से नाटक आदि में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर भी थे। वो जिन नाटकों में भाग लिया करते थे, उन नाटकों में केवल देशभक्ति ही शामिल थी। उन नाटकों के चलते भी हमेशा नौ युवकों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया करते थे, और साथ ही अंग्रेजों का बहिष्कार करते हुए उनका मजाक भी बनाते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का इरादा पूरी तरह से गलत लगता था। भगत सिंह जी मस्तमौला इंसान थे और उन्हें लेख लिखने का भी काफी शौक था। कॉलेज में उन्हें निबंध में भी कई पुरस्कार मिले थे। भगत सिंह जब केवल 23 वर्ष के थे, तभी उन्हें फांसी दे दी गई थी, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई व बटुक केशव दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। इसके बाद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के समय तीनों के चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं दिखाई दी, और तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। वहीं भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर देना, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।